पिछले साल विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जिन दो पार्टियों का साथ छूटा वो शनिवार को फिर साथ आई, तो अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया। कयास लगाए जाने लगे कि महाराष्ट्र की कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से शिवसेना की महाविकास अघाड़ी की सरकार अब गिरने वाली है और बीजेपी की सरकार बनने वाली है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं, बस शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। इस मुलाकात पर महाराष्ट्र बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय की सफाई के बाद खुद शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी मामले पर अपना पक्ष रखा है। संजय राउत ने कहा कि मैं कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शनिवार को देवेंद्र फडणवीस से मिला था। वो पूर्व सीएम है, इसके अलावा वो महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता है और बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी भी है। संजय राउत ने आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, हमारे बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। सीएम उद्धव ठाकरे को इस बैठक के बारे में पता था। अपने बयान से संजय राउत ने साफ किया कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से किसी से छिपकर नहीं बल्कि सीएम उद्धव ठाकरे की सहमति से ही मुलाकात की थी। शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद आधिकारिक तौर पर यह देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत की पहली मुलाकात होगी। जानकारी के मुताबिक ये मुलाकात एक लग्जरी होटल में हुई थी। मुलाकात से पहले ही शिवसेना प्रवक्ता ने अकाली दल के एनडीए से अलग होने पर कटाक्ष किया था। संजय राउत ने कहा था कि एनडीए के मजबूत स्तंभ शिवसेना और अकाली दल थे, शिवसेना को मजबूरन निकलना पड़ा और अकाली दल भी बाहर हो गया। एनडीए को अब नए साथी मिल गए हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। जिस गठबंधन में शिवसेना और अकाली दल नहीं, मैं उसको एनडीए नहीं मानता। और फिर जो मुलाकात बीजेपी और शिवसेना के बीच में हुई उस पर बीजेपी ने भी अपनी सफाई पेश की थी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने लिखा, इस मीटिंग का कोई भी राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं था। राउत शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू करना चाहते थे, बस इसी को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। फडणवीस ने राउत को इस बात की जानकारी दी थी कि वो बिहार के चुनाव प्रचार से लौट आएंगे तब इंटरव्यू देंगे। पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर बीजेपी विरोधी रुख के लिए शिवसेना चर्चा में आई थी। दोनों पार्टियों ने चुनाव तो साथ मिलकर लड़ा था लेकिन चुनाव के बाद सत्ता में साझेदारी को लेकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी की सरकार का गठन कर लिया था, जिसके बाद से शिवसेना अपने विचारों से अलग पार्टियों के साथ जाने के लिए हमेशा ट्रोल होती रही है। और उसके बाद जब शनिवार को फिर एक बार देवेंद्र फडणवीस से शिवसेना प्रवक्ता ने मुलाकात की तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। आपको क्या लगता है, लग्जरी होटल में संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस के बीच में आखिर क्या बात हुई होगी? आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।